खुद को कुंवारा बताकर 7 सालों से युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले एक बच्चे के बाप के खिलाफ पुलिस ने किया दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज। 7 सालों बाद प्रेमिका को पता चला कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, जिस पर गुस्साई प्रेमिका ने थाने पहुंचकर प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। मामला भबरकुआ थाना क्षेत्र के खंडवा रोड का है, जहां एक युवती को अमित नामक युवक पिछले 7 सालों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। युवती को जब ये बात पता चली कि वो शादीशुदा है तो युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और आरोपी अमित बाईपास पर ढाबा संचालन करता है। विगत 7 सालों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना बताया है। वेदांत रोकड़े नामक आरोपी है, जो कि 5 खंडवा रोड पर एक फार्म हाउस है, वहाँ का निवासी है। बताया जा रहा है कि 7 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बताए हैं साथ में, और फिर शादी से इनकार कर दिया था और जान से मारने की धमकी दी। प्राइवेट इसी दुकान पर जॉब करती है वो। कब से? पिछले 7 सालों से बता रहे हैं। और आरोपी वेदांत रोकड़े जो हैं वो पहले से शादीशुदा थे, एक उनकी पहले से बच्ची भी है, और बताया जा रहा है कि उन्होंने शादी के लिए उसको प्रॉमिस किया था, उसके बाद शादी करने से इनकार। कहाँ के रहने वाले हैं ये और कहाँ क्या करते हैं? ये इसका कोई ढाबा वगैरह है खंडवा रोड पर कहीं पर, और पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में रहे हैं और शादी से अब इनकार कर रहा है वो, जान से मारने की धमकी वगैरह भी दी थी उसने।